राम जयंती है, बलराम जयंती के उपलक्ष्य में आज हम थोड़ा शॉर्ट में बलराम जी से संबंधित कुछ लीलाएं चर्चा करेंगे। पिछले 3 दिन से हमने एक बार एक दिन धेनुकासुर का वध चर्चा किया, प्रलंबासुर का वध चर्चा किया और द्विविध वानर उसका वध चर्चा किया। इसी तरह भगवान बलराम की बहुत सारी लीलाएं हैं, तो कुछ लीलाएं शॉर्ट में चर्चा करते हैं। तो पहले तो भगवान बलराम है कौन? तो बलराम जी भी इज आल्सो, जिस तरह भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, बलराम जी उनके प्रथम अंश है, सारे अवतारों के अवतार, और भगवान उनके बलराम जी सेकंड एक्सपांशन कृष्ण के। और कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है, एकदम फेस भी एक तरह है, हाइट, बॉडीली लस्टर, वेट, इस तरह जो कुछ भी देखेंगे, गुण वगैरह सब एक जैसे हैं, सेम आइडेंटिटी। जितने गुण कृष्ण में है उतने गुण बलराम में भी है, केवल एक ही अंतर है, वो कहाँ आ जाता है? रूप में, फॉर्म में। बलराम जी कृष्ण कृष्ण इज ब्लू कॉम्प्लेक्शन है और बलराम जी का व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है, एकदम मार्वल की तरह व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है। और वो भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं में सहायता करने के लिए हमेशा उनके साथ में रहते हैं, और वो जितने भी भगवान की सहायता के लिए जो कुछ भी आवश्यकता होती है सब बलराम जी के एक्सपांशन है। जिस तरह मंदिर में करताल बजती है, मृदंग बजता है, ये सब बलराम जी का एक्सपांशन है। और इस तरह भगवान जहाँ लीला करते हैं उसके लिए धाम और जो कुछ उनकी लीला में आवश्यकता है, बलराम जी के वो सब एक्सपांशन है। तो भगवान बलराम इस तरह अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करते हैं, अलग अलग कोई ना कोई अलग अलग रस में सेवा होती है। 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो शांत रस में सेवा करते हैं वो, किस तरह सेवा करते हैं? शांत रस में जिस तरह भगवान की लीला में जो कुछ आवश्यकता है, भगवान का धाम, मृदंग और एक तरह कंप्यूटर के इसमें तो फॉन्ट आती है ना, फॉन्ट, तो फॉन्ट को भी क्या बोलते हैं? बलराम फॉन्ट बोलते हैं, क्योंकि वो फॉन्ट फॉन्ट जो भक्ति से रिलेटेड है और भगवान की सेवा में उपयोग हो रही है, तो वो फॉन्ट भी बलराम जी का एक्सपांशन, तो इसीलिए उसका नाम भी बलराम फॉन्ट उसको बोलते हैं, बलराम मृदंग। तो सब कुछ बलराम जी का एक्सपांशन है, सब भगवान की लीला में सहायता करने के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, मंदिर, व्यास आसन और इस तरह भगवान के शंख, जो पैराफेरनलिया, जो कुछ भगवान की सेवा में उपयोग होते हैं, सब सब बलराम जी के एक्सपांशन। इस तरह शांत रस में वो भगवान की सेवा करते हैं। तो 5 रस है, बलराम जी भगवान की सेवा 5ों रसों में करते हैं। तो शांत रस में इस तरह सेवा करते हैं, अलग अलग पैराफेनलिया के रूप में। दास्य रस में भी सेवा करते हैं। दास्य रस में एक तो जिस तरह भगवान राम की लीला में हम देखते हैं, भगवान लक्ष्मण हमेशा भगवान राम की सेवा की, तो वो बलराम जी मतलब वही भगवान के एक्सपांशन। तो लक्ष्मण जी ने हमेशा भगवान की दास्य रस में सेवा करी, दास्य रस में सेवा करी। वो बलराम के रूप में थे, जब बड़े थे तब भी कभी कभी वो कृष्ण की सेवा कर देते थे, इस तरह दास्य रूप में कभी कभी कृष्ण के पैर दबा देते थे, हवा कर देते थे। और इस तरह जो लक्ष्मण के रूप में तो बहुत बहुत सेवा किया, 14 साल पूरे वनवास में हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर थे। वो कभी सोए भी नहीं 14 साल, इस तरह ना कुछ खाया भी नहीं उन्होंने, कुछ खाते नहीं थे, सोते नहीं थे, पूरा टाइम उनका चेतना रहता था राम जी की सेवा करना। यहाँ तक कि जब वनवास में गए थे भगवान राम, और वनवास में पहले दिन वो निषाद निषाद के यहाँ पे गए, और उधर रात को सोए भी नहीं बलराम जी, क्योंकि कृष्ण बलराम सीता सीताराम जी घास के ऊपर सो रहे थे। अब
ये देख के लक्ष्मण जी को बहुत दुख हो रहा था, किस तरह भगवान राम कहाँ राज सिंहासन में रहते थे, अभी यहाँ पे किस तरह घास पे सोना पड़ रहा है। तो उस समय उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं सोऊंगा ही नहीं। तो वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि इस तरह जंगल में रह रहे हैं और जंगल में सब सो जाएंगे तो लक्ष्मण जी हमेशा रात को नहीं सोते थे, सीताराम सोते थे, वो उनकी रक्षा करते थे, प्रोटेक्शन के लिए हमेशा धनुष बाण लेके तैयार रहते थे। तो निषाद राज ने देखा कि सीताराम सो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण इस तरह धनुष बाण लेके एकदम वो सो नहीं रहा है। तो उन्हें उसने सोचा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया था उनके बीच में, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि निषाद भगवान के एक मित्र थे जो गुहा, तो उसने सोचा कि हो सकता है लक्ष्मण ऐसा ना करे कि ये भगवान राम को कुछ हानि पहुंचा दे रात को, थोड़ा सा उसने गलत समझा। तो उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं लक्ष्मण जी को, ये अगर कुछ करेगा भगवान राम को तो मैं देखता हूँ। तो वो गुहा जो निषाद है वो भी रात भर लक्ष्मण जी को देख रहा था कि ये ऐसा नहीं कि इनका माइंड चेंज हो जाए, ये राम जी को कुछ आघात करे, क्योंकि तो राम के बाद लक्ष्मण ही है नेक्स्ट जो वो, तो इसीलिए निषाद लक्ष्मण जी को देख रहा था कि ये कुछ कर ना दे, ये अस्त्र शस्त्र लेके इस तरह रात में क्यों जाग रहे हैं। निषाद उनको देख के जाग रहा था, और निषाद के जो मंत्री सैनिक वगैरह है ये सब ने देखा कि अरे हमारे राजा सो नहीं रहे हैं, इस तरह भगवान राम लक्ष्मण आए हैं लेकिन वो तो विश्राम कर रहे हैं, और ये हमारे राजा ये तलवार लेके एकदम खड़े हुए हैं, चुपके चुपके उनको देख रहे हैं। तो बाकी सैनिक देख रहे थे कि ऐसा नहीं हमारे हमारे निषाद कुछ हानि पहुंचा दे राम को रात्रि में, रात्रि के समय। तो इसीलिए बाकी सैनिक बोले नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारा राजा भी अगर कुछ करेगा तो हम भगवान राम की रक्षा करेंगे। तो वो भी वो निषाद को देख रहे थे रात भर, तो इस तरह रात भर कोई सोए नहीं, केवल सीताराम जी सोए, और इस तरह लक्ष्मण जी गुड़ाकेश दास्य भाव में इस तरह सेवा की। और इसी तरह जो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं गुरु, वो भी हमेशा इस तरह दास्य भाव में सेवा करते हैं, दास दास दासानुदास इस तरह एक भाव रहता है। गुरु है वो भी दास्य भाव में। तो गुरु हमेशा क्या बोलते हैं कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, कभी गुरु यह नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, वो हमेशा दास अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं। तो दास्य भाव में इस तरह बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। तो शांत रस हो गया दास्य वगैरह, और दास्य रस के बाद कौन सा हुआ, शांत दास्य साख्य रस। साख्य रस में तो ऑलरेडी वो आपस में बहुत मित्र की तरह ही थे, ज्यादा उम्र में डिफरेंस भी नहीं था, तो मित्र की तरह वो रोज वन में जाते थे, खेल खेलते थे। हमने देखा प्रलंबा सुर के, उसमें कृष्ण बलराम खेल रहे थे, और कृष्ण की अलग टीम थी, बलराम जी की अलग टीम थी, कृष्ण की टीम हार जाती है, बलराम जी की टीम जीत जाती है। तो इस तरह साख्य रस में उन्होंने बहुत सेवा किया, साख्य रस में आनंद दिया भगवान को। तो साख्य रस शांत दास्य साख्य वात्सल्य, तो वात्सल्य में भी क्योंकि बलराम जी बड़े हैं कृष्ण से, तो हमेशा कृष्ण को रक्षा करने का भाव उनके हृदय में होता है कि कृष्ण की रक्षा करना है, ये भाव बलराम जी के हृदय में हमेशा रहता था कि, तो वात्सल्य भाव मतलब बड़े छोटे, ये छोटे हैं इनको रक्षा करना, इनको प्रोटेक्शन देना है। तो बलराम जी बड़े थे, हमेशा कृष्ण की रक्षा करने का भाव भी वात्सल्य भाव में उनके अंदर था। जब कृष्ण ने रुक्मणी का लेटर पढ़ा था, तो रुक्मणी का लेटर पढ़ते ही तुरंत वो रथ से उधर चले गए थे, अकेले ही चले गए थे। बलराम जी ने देखा कृष्ण अकेले चले गए इस तरह, तो वो समझ गए थे कि जरूर कुछ युद्ध की आशंका है। तो बलराम जी पीछे से आए पूरी सेना को लेके यादवों की, और उधर उधर से वापस में जब ये रुक्मणी का भाई आ रहा था उधर सेना लेके, तो बीच में युद्ध हुआ। तो बलराम जी का हमेशा भाव था प्रोटेक्शन का भी, उनकी रक्षा करने का। तो ये और बचा माधुर्य रस, माधुर्य रस में भी अनंग मजरी के रूप में बलराम जी भगवान की सेवा करते थे, उस माधुर्य रस में भी सेवा की। इस तरह सब रसों में बलराम जी भगवान की सेवा किए।
बलराम, ये शब्द का क्या अर्थ है? बलराम, बल शब्द मतलब शक्ति और राम मतलब आनंद। तो ये कौन सी शक्ति है जो बल है, बलराम में जो बल है, कौन सा बल है? ये भौतिक बल है जो शक्ति, लोग जाते हैं जिम वगैरह में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ बनाते हैं, फिर शक्ति शक्ति लेके आते हैं कुछ शक्ति। तो ये वो वाला बल नहीं है, ये जो बल होता है इस बल का अर्थ है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। तो ये आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से आती है? बलराम जी से आती है, भक्ति शक्ति। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, तो वो शक्ति कहाँ से आती है? बलराम जी से आती है ना। स्पिरिचुअल कार्य करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर हम कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन ये अध्यात्म कार्य करने के लिए जो शक्ति है, ये जब तक स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं होगी, हम आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकते। हम अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से हो सकता है भगवद गीता पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं आएगी, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। विशेष रूप से जप करने का, जप को, भगवान के नाम का जप करना, जब तक व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं आएगी, वो जप नहीं कर पाएगा, वो माला नहीं उठा पाएगा, वो बड़े बड़े काम कर लेगा, 24 घंटे बिजी हो जाएगा, दिन रात हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम जप करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति आती है बलराम जी से, वो आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति आती है बलराम जी। बलराम जी वो शक्ति प्रदान करते हैं। बलराम जी या जो भी भक्ति में कार्य है, वो करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता, आध्यात्मिक शक्ति आती है बलराम जी से। तो ये बल है, बल, बलराम जी का जो बल है आध्यात्मिक शक्ति। राम मतलब होता है, राम शब्द का अर्थ, वैसे तो अलग अलग मीनिंग है राम के, तो राम शब्द आनंद को बताता है कि आनंद। तो भक्ति में शक्ति तो आती है बलराम जी से, और जो आनंद आता है वो भी, जो ब्लेस, जो आनंद आ रहा है थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे, उसमें जो आनंद आता है वो भी भगवान बलराम जी की कृपा से आता है। हम मंदिर में आते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और बहुत सारे अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और उसमें एक स्पिरिचुअल आनंद आ रहा है ना। नहीं, अगर आनंद आता तो क्यों करते? कोई व्यक्ति मान लो कोई 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से रोज भगवान के नाम का जप कर रहा है, 16 माला कर रहा है, पिछले 40 साल से, 50 साल से, इस तरह बहुत सारे लोग तो रोज 16 माला वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें उनको कुछ आनंद आ रहा है, तभी कर रहे होंगे। बिना अगर आनंद आनंद अगर नहीं आता इस तरह जप करने में, तो करते क्या? बिल्कुल नहीं करते। अगर आपसे बोला है कि रोज आपको 2 घंटा बाहर पार्क में जाके रोज एक जगह पे 2 घंटा बैठना है, तो हम 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, रोज बैठ पाएंगे? सालों साल इस तरह एक जगह रोज जाके 2 घंटे क्या बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, क्यों? बैठ के करेंगे क्या? तो इसी तरह रोज 2 घंटा समय निकाल के हम जप कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर पा रहे हैं सालों साल? क्योंकि तो उसमें कुछ आनंद मिल रहा, हो सकता है बहुत आनंद नहीं मिल रहा है, नींद आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ आनंद आ रहा है, तभी तो इतना कुछ कर पा रहे हैं। एक बार हो सकता है कभी कभी हम जप में या भागवत क्लास में नहीं आ रहा है, तो कभी कभी नींद आ जाती है, जबकि आ जाती है। एक बार एक व्यक्ति ने देखा होगा कि भागवत क्लास में बहुत सारे शिष्य लोग सो रहे हैं, तो उसने श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से कंप्लेन किया कि अरे क्या आप भागवत क्लास दे रहे थे, आपके ये सब लोग शिष्य लोग तो सब सोते रहते हैं उसमें। तो क्या मतलब इस तरह सुन बैठने का, सो रहे हैं सब? तो उनको बताया हुआ था कि देखो ये थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, बाकी टाइम हो सकता है सो रहे हैं, थोड़ा बहुत सुन रहे हैं उसमें उनको इतना आनंद आ रहा है, और उसके लिए इतना, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कितना सेवा कर रहे हैं, कितना डेडिकेटेड है, तो थोड़ा सा आनंद आ रहा है उससे, वो इतना इतना कुछ कर पा रहे हैं।
तो अगर बहुत आता तो कितना कुछ कर पाते। तो इसी तरह भक्ति में हमें थोड़ा आनंद आ रहा है तो हम, कुछ आनंद आ रहा है इसलिए हम उसको कर रहे हैं, नहीं तो वो जो आनंद आता है भक्ति में, जो आनंद आता है कहाँ से आता है, बलराम जी की कृपा से आता है। वो आनंद देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, है ना। तो लोग उस आनंद को प्रोत्साहित भी करते हैं, बाहर के मंदिरों में जब जय ध्वनि होती है तो उसमें इस तरह भी बोलते हैं कि आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, इस तरह बोला। लेकिन तो आनंद दिया किसने, कहाँ से वो आनंद आया, वो आनंद आया बलराम जी उस आनंद को देते हैं, शक्ति देते हैं कुछ करने का। फिर हम कुछ करते हैं उस शक्ति से, तो रिटर्न में फिर आनंद भी देते हैं, तो दोनों ही देते। पहले शक्ति दिया, वो शक्ति से हमने कुछ करते हैं, भक्ति करते थे, कुछ कार्य करते, फिर वो थोड़ा कुछ करते हैं तो और आनंद भी देते हैं। तो मतलब हमारी भक्ति में जो गाड़ी है आगे बढ़ रही है बलराम जी की कृपा से। और तो भक्ति शक्ति बलराम जी की कृपा से आ रहा है। तो बिना शक्ति अगर होगी हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत शक्ति लगती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए। भक्ति में आने से हमें एक हायर टेस्ट मिलता है, जिससे हम लोअर टेस्ट को अपने आप छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जब शुरू शुरू में श्रील प्रभुपाद जी से जय इस्कॉन के संपर्क में आए, उन्होंने, उनके नशे की आदत थी, चारों नियम वो ब्रेक करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक भक्ति शक्ति आई उनके अंदर और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, नशा उनका छोड़ गया। तो नशा छोड़ने के लिए कितना कितना शक्ति चाहिए, लेकिन वो शक्ति आ गई उनके अंदर और वो टेम्पटेशन सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, एक सही भक्ति के पथ पर सही रूप से वो कार्य करने लगे। तो वो शक्ति कहाँ से आई उनके अंदर कि उन्होंने सब कुछ, गलत आदत, बुरी आदत, सब कुछ छोड़ दिया। वो बलराम जी की कृपा से वो शक्ति आई, गुरु की कृपा से वो शक्ति आई। तो शक्ति के बल पर उन्होंने बाकी सब को छोड़ दिया। इस तरह होते हैं कि एक एक रॉकेट को लॉन्च करना है पृथ्वी से लेके उसको चंद्रमा तक पहुंचाना है, तो उसको एक शक्ति देनी पड़ेगी, तब जाके वो पृथ्वी को क्रॉस कर पाएगा। एक एक वेलोसिटी आती है, स्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, उस वेलोसिटी, उस शक्ति से उसको भेजना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, तभी जाके वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा, दूसरे किसी ग्रह की कक्षा में चला जाएगा। इसीलिए अगर हम इस भौतिक जगत से सीधे आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं तो कितना कितना वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, कितनी शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, बहुत, पृथ्वी से आध्यात्मिक जगत तक जाने के लिए। और वो शक्ति आती है बलराम जी की कृपा से। तो इस तरह बलराम जी शक्ति देते हैं और राम मतलब आनंद देते हैं, रमण शब्द आता है। तो राम शब्द जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हरे राम जब बोलते हैं, इस राम के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो एक अर्थ इस राम का होता है बलराम, एक राम मतलब सीताराम भी हो सकते हैं, एक राम भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं, राधिका रमण राम। तो उसमें एक राम का अर्थ होता है, राम का एक अर्थ बलराम जी भी हो सकता है। तो जब बलराम जी, अगर हरे राम में राम बलराम जी है तो हरे फिर तो उनकी पत्नी रेवती देवी। इस तरह बलराम जी हमें शक्ति देते हैं और आनंद भी देते हैं। तो रेणुकासुर वध हमने पढ़ा, प्रलंबासुर पढ़ा, अलग अलग लीला में एक लीला इस तरह है कि एक बार बलराम जी द्वारका से वृंदावन आए थे 2 महीने के, कृष्ण तो वृंदावन आए नहीं लेकिन बलराम जी आए थे 2 महीने के लिए, और बलराम स्वामी वृंदावन में रहे 2 महीना और बहुत सारे उन्होंने लीलाएं करी। तो इस तरह बलराम जी का भी रास लीला होता है, के भी कुछ गोपीज हैं जो उनकी लीला में भाग लेती है। इस तरह वो कुछ लीला परफॉर्म कर रहे थे और एक समय यमुना के किनारे थे और यमुना थोड़ी सी दूर में थी और वो यमुना में स्नान करना चाह रहे थे। वो
और उन्होंने इसलिए यमुना को आदेश दिया कि इधर आ जाए पास में, ताकि वो उसमें स्नान कर पाए। लेकिन यमुना यमुना जी ने सुना नहीं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। और बलराम जी ने बोला कि इस तरफ आ जाए, लेकिन यमुना देवी आई नहीं। थोड़ा सा क्रोध आया उनको, तो उन्होंने अपना हल लिया और हल से यमुना को इस तरफ खींच के लेके आ गए। यमुना को जब हल से खींचना शुरू किया तो उसका पूरा रास्ता चेंज हो गया, इधर से इधर डायरेक्शन इधर होते हुए फिर उधर जाने लगी। तो उस समय यमुना देवी को उनकी शक्ति का पता चला, तुरंत वो व्यक्तिगत रूप में आके उनसे क्षमा मांगने लगी और क्षमा के लिए प्रार्थना किया। तो इस तरह बलराम जी जब गुस्सा होते हैं तो अपना हल से कुछ भी कर सकते हैं। हल से उन्होंने यमुना देवी को इस तरह खींचा। एक और हल का पास टाइम है, एक बार कृष्ण के पुत्र, कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र का नाम था सांबा। तो पहले के समय क्षत्रिय 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 का इस तरह प्रथा था कि अगर क्षत्रिय राजकुमार किसी राजकुमारी से तो प्रेम हो गया तो उसका अपहरण कर लेता था, फिर युद्ध होता था दोनों के बीच में। तो लक्ष्मणा जो कि दुर्योधन की पुत्री थी और सांबा कृष्ण का पुत्र था, तो सांबा ने लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया था। और अपहरण करके लेके आ रहे थे, उधर हस्तिनापुर में सबको पता चला कि लक्ष्मणा का अपहरण हो गया है। तो सारे पौरव सब एकत्रित हुए और उन्होंने अटैक कर दिया सांबा के ऊपर। और सांबा ने बहुत शक्ति होगी, कृष्ण के पुत्र है, बहुत शक्ति से उन्होंने सबके साथ युद्ध किया। लेकिन बड़े बड़े योद्धा थे उसमें, तो उन्होंने सबने मिलके फिर सांबा को बंदी बना लिया। सांबा को बंदी बना के हस्तिनापुर में ले गए। इधर यादवों को पता चला कि सांबा बंदी गृह में है और अभी कौरवों के कस्टडी में है। तो फिर इधर से बलराम जी गए, सारी सेना कौरव वगैरह युद्ध युद्ध करना चाहते थे। ऐसे ऐसा कैसे हो गया, सांबा को बंदी बना लिया, हम उसको छुड़वाएंगे हस्तिनापुर। तो कौरव और यादव उसमें युद्ध होने वाला था, तो बलराम जी नहीं चाहते थे इस तरह युद्ध हो। तो वो शांति दूत बनकर गए और सबसे मिले, धृतराष्ट्र उधर जितने भी कौरव थे सबसे, दुर्योधन, लेकिन सब बहुत क्रोधित थे कि इस तरह कैसे किया सांबा की इतना इतनी हिम्मत उसकी। तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे सांबा और लक्ष्मणा को। और बलराम जी बोल रहे थे देखो छोड़ दो, मान जाओ, इतना समय मत लगाओ, तो क्रोध मत दिलाओ। तो बलराम जी बहुत प्रेम से बोल रहे थे, लेकिन वो सब माने नहीं, बोला युद्ध हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। तो बलराम जी क्रोधित हो गया, बोले छोड़ने की बात है, युद्ध की बात है, मैं पूरी हस्तिनापुर को गंगा में डुबो दूंगा। तो बलराम जी ने अपना हल लिया और हस्तिनापुर की जमीन में दिया और जमीन को लेके पूरी हस्तिनापुर को हल से खींचना शुरू किया और उसको गंगा में ले जाके वो डुबोने वाले थे। जैसे ही खींचना शुरू किया, सारे हस्तिनापुर वासी सब में हड़कंप मच गया, क्या हो रहा, हमारा शहर डूबने जा रहा है नदी में। तो सब आके फिर बलराम जी से क्षमा मांगे और फिर बोला ठीक है हम समझ गया कि शक्ति कितनी है, और उन्होंने सांबा और लक्ष्मणा को छोड़ दिया। तो दूसरा उनके हल का कार्य, एक बार यमुना को इस तरह खींचा, इधर हस्तिनापुर को खींचा, एक और उन्होंने अपने हल से कार्य किया था कि सतयुग में एक राजा थे, उनका नाम था रेवत और उनकी पुत्री का नाम था रेवती। और अपनी स्त्री बहुत सुंदर थी और उन्होंने सोचा कि इसका विवाह किसके साथ करें, समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ इस स्त्री का विवाह करें, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, कौन इसके लायक वर होगा, तो समझ नहीं पा रहे। तो उन्होंने सोचा किसके पास जाए, तो ये उस समय तो राजा लोग बहुत योग्य होते थे, तो ब्रह्मा जी के पास जाके सोचा ठीक है मैं ब्रह्मा जी से जाके पूछता हूँ किन से विवाह किया जाए। तो ये राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी लोक से सीधे ब्रह्म लोक चले गए। अभी तो थोड़ा बहुत प्रयास किया, हम चंद्रमा पे गए नहीं, एक छोटा सा यान भेजा है उसी में लोग इतना खुश हो रहे हैं। लेकिन उस समय
वो चंद्र लोक तो क्या, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महा लोक और सबसे ऊपर ब्रह्म लोक, वहां तक जा सकते थे। और वो भी इतनी शक्ति थी, राजा, एक राजा चला गया अपनी पुत्री के साथ। ब्रह्म लोक में गए, ब्रह्मा जी थोड़े से व्यस्त थे, उन्होंने बोला थोड़ा सा आप वेटिंग, इंतजार करिए। तो थोड़ा सा इंतजार किया, बाद में ब्रह्मा जी से वो मिले, ब्रह्मा जी से उनका मीटिंग हुआ, और ब्रह्मा जी से मीटिंग हुआ। लेकिन इतना ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक का अलग अलग समय चलता है, समय काल। तो जब ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो अब तो तुम वापस जाओगे, तब तक तो द्वापर युग आ गया, तुम आए सतयुग में, लेकिन अब तुम्हारा सतयुग गया, त्रेता युग भी गया, अब जब जाओगे तो द्वापर युग चलता रहेगा। अभी द्वापर युग चल रहा है, और द्वापर युग में अगर आप किसी के साथ अभी उस समय किसी को विवाह करना है तो बलराम जी है, उनके साथ आप विवाह कर सकते हैं, रेवती का। तो ये राजा रेवत फिर से आ गए पृथ्वी पे, और देखा कि पृथ्वी तो पूरी चेंज ही हो गई है। पहले सतयुग के लोग बहुत बड़े ऊंची ऊंची हाइट के होते थे, और द्वापर युग के लोग की हाइट कम हो गई। तो राजा रेवत और उनकी पुत्री रेवती बहुत ऊंचे ऊंचे थे, वो गए द्वारका में, बलराम जी से मिले। बलराम जी की हाइट कम थी उस समय, छोटे हो गए थे, सभी की हाइट छोटी थी, और ये सब बड़े बड़े थे। इन्होंने बोला कि हम सतयुग से है, ऐसा ऐसा है, हम ब्रह्मा जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी ने बोला है ये हमारी पुत्री है, इसका विवाह आपके साथ करने के लिए। तो अब बलराम जी बोले ठीक है, अब ये जोड़ी भी तो मिलना चाहिए, अब इनकी हाइट कहाँ है, बलराम जी की हाइट कहाँ, वो कितना, बोले ठीक है हम सेट कर देते हैं। तो बलराम जी ने अपना फल लिया, फल का थोड़ा साइज बढ़ाया, और रेवती के इधर कंधे अंधे पे लगाया होगा, और उसको खींचा, खींच के खींच के खींच के हल छोटा हुआ, छोटा छोटा, उसकी हाइट भी छोटी होती गई, और बलराम जी ने सेट करके अपनी हाइट के राउंड फिगर में रेवती की हाइट कर दी, ताकि लगे कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ है। तो उस तरह हाइट करने के बाद फिर रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। तो वो रेवती और रेवत, तो वहां भी बलराम जी ने अपने फल का प्रयोग किया था, और इस तरह बलराम जी की और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। बलराम जी बहुत कृपालु है, मतलब तो जिसके अंदर कोई गुण नहीं होते हैं उसके ऊपर भी कृपा कर देते हैं। तो दुर्योधन के अंदर तो ज्यादा कोई गुण थे नहीं, कितना ईर्ष्यालु व्यक्ति था दुर्योधन। स्वयं कलयुग का अवतार था, कलयुग जो पर्सोनिफाइड कलयुग है, वो द्वापर युग में दुर्योधन के रूप में अवतार लिया था। इतना ईर्ष्या, क्रोध, सब कुछ था उसके हृदय में, लेकिन वो भी बलराम जी से जाके बलराम जी को जाके सरेंडर किया, शरणागत हो गया था कि आप मुझे गदा सिखाइए, मैं। तो बलराम जी ने उसको, उनको ग्रहण किया अपने शिष्य के रूप में, के ऊपर कृपा करी। तो कृष्ण बलराम, कृष्ण ने पांडवों को सहायता करी, और कौरवों को भी उन्होंने बलराम जी के रूप में गाइडेंस दिया, सहायता किया। तो बलराम जी ने दुर्योधन को ट्रेनिंग दिया था मैस गदा युद्ध में, और दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट था, अगर स्किल के रूप में देखें तो दुर्योधन ज्यादा स्किल्ड था भीम से भी, बहुत प्रैक्टिस किया था दुर्योधन ने। दुर्योधन के पास एक लोहे का भीम था, और उस लोहे के भीम के ऊपर दुर्योधन ने बहुत गदा प्रैक्टिस करी थी, इतनी गदा उसके ऊपर प्रैक्टिस करी, तो दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट हो गया था गदा चलाने में, और भीम शक्ति में ज्यादा थे। भीम उतना स्किल नहीं था दुर्योधन की तरह, लेकिन शक्ति में भीम के पास ज्यादा शक्ति थी, इसीलिए एट द एंड महाभारत के आखिरी में दुर्योधन और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय, तो बलराम जी सोच रहा था अरे यार तो दोनों तरफ ही हमारे ही लोग हैं, इधर उधर एक ही परिवार के हैं, अब किसका सपोर्ट करें। कृष्ण भी बोल दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, बलराम जी भी बोल रहे थे मैं भी युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तीर्थ यात्रा पे चले जाता हूँ। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं उस समय, और तीर्थ यात्रा पे वो जाके, एक मिनट,
कृष्ण, हम चर्चा कर रहे थे बलराम जी महाभारत के युद्ध में, वो भी युद्ध नहीं किए थे और वो चले गए थे तीर्थ यात्रा पे उस समय। लेकिन तीर्थ यात्रा से रिटर्न आए थे उस समय महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और लास्ट उसका लास्ट एंडिंग चल रहा था दुर्योधन और भीम का युद्ध। तो बलराम जी भी देख रहे थे उस युद्ध को और कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था, दोनों में एकदम बराबरी का टक्कर चल रहा था। बाद में कृष्ण ने थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि दुर्योधन की जंघा के ऊपर वार करो, और जब कृष्ण ने बोला है तो भीम ने वार किया। उस समय बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे, अरे नहीं ये एक गदा युद्ध के नियम के खिलाफ है, इस तरह उसमें पीठ से नीचे वार नहीं करना होता है, पीठ से ऊपर ही गदा से वार कर सकते हैं। तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे भीम के ऊपर। बाद में भगवान कृष्ण ने उनको सांत्वना दिया था और तरह कुछ प्रतिज्ञा वगैरह याद दिलाया था, नहीं ये भीम की प्रतिज्ञा है, उसने जंघा तोड़ने का वचन दिया है। तो इस तरह बलराम जी सबके ऊपर कृपा करते हैं, जिसके अंदर गुण नहीं है उसके ऊपर भी कृपा। तो वो बलराम जी का कल जयंती है, तो हम अच्छे से उसको पालन करना चाहिए और बलराम जी इस तरह कल के दिन में कुछ प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो हमारे ऊपर भी कुछ कृपा करे। हमारे अंदर भी ज्यादा गुण नहीं है दुर्योधन की तरह, बहुत सारे अवगुण हैं हमारे अंदर, तो हमें वो कृपा करे, इस तरह हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राम जी की जय।